पत्थरों से बने मंदिर जेकर हर एक पत्थर में पौराणिक काल के अद्भुत कलाकृति हवे। निर्माण कार्य केवल 6 महीने रात्रि में और देखे में कुछ अधूरा से। दोस्तों आओ आप, मतलब मैं प्राचीन मंदिर के ना गर्भगृह के दर्शन करा दूँ। महादेव के महादेव मंदिर के जस्ट बगल में है कुंड, और यहाँ पे कुंड में पहले उतर के हाथ पाँव धो लेता हूँ। काफी कोई भी मंदिर में जाए के पहले हाथ पाँव धोना सही लगते है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी में दुर्ग जिला में देव बलौदा गाँव में ये मंदिर हवे। इतिहास के पन्ना ला देखे जाए कलचुरी के राजा के द्वारा 13वीं शताब्दी में बनाए गए हवे। बताया जाते कि मंदिर के बनाने वाला शिल्पी ये मंदिर अधूरा छोड़ के चल दिस, एकरे से तेरे मंदिर के गुम्मत नहीं बने पाए। और कहे जाते कि ये मंदिर के ये कुंड के भीतर एक ऐसा गुप्त रास्ता हवे जो सीधा आरंग निकलते। मंदिर के निर्माण से जुड़े एक कहानी और है कि जब ये मंदिर के निर्माण करे जात रहीस वो समय 6 महीने सिर्फ रात ही रही से। कुछ इतिहासकार बताते कि ये मंदिर के निर्माण लंबा समय में होए हो ही, और लोगन मन ये लंबा समय ल 6 मासी में बदल दिस हो ही। देव बलौदा की ये सदियों पुराना मंदिर केवल पत्थरों से बने हवे, और एक हर एक पत्थर में अलग अलग देवी देवता जैसे गणेश जी, श्री कृष्ण और माँ काली के कलाकृति तराशे गए हवे। इखर अलावा हाथी, घोड़ा और बंदर के जैसे भव्य जीव जंतु के भी बारीक कलाकृति के आप मतलब देखे में मिली। यही हर मंदिर के गर्भगृह के मुख्य दरवाजा हरे। तो बहुत संभाल के अपना नीचे उतरना है और सावधानी पूर्वक उतरना चढ़ना है। यहाँ पे जिमा प्रवेश करते ही सबसे पहले ठीक सामने दीवार पे आप मल्ला माँ पार्वती की प्रतिमा देखे बन मिली, और मंदिर के बीचों बीच एक शिवलिंग हवे, और शिवलिंग के चारों तरफ अलग अलग देवी देवता के प्रतिमा स्थापित करी गई हवे। मंदिर के जस्ट बगल में एक कुंड बनाए गए हैं, और आप मल्ला मैं कुंड दिखा दूँ। ये देखो यहाँ भी आप मतलब सावधानी से चढ़ना उतरना है जब भी आप बनाओगे मंदिर में। ये यहाँ पे और बोले जाते कि यहाँ एक कुंड में एक सुरंग है जो कि आरंग के मंदिर में निकलते पानी के अंदर में एक सुरंग है। और दोस्तों ये देखो नंदी महाराज है जो कि मंदिर के जस्ट सामने में है भाई, यहाँ पे और यहाँ पे। हाँ दोस्तों, देव बलौदा के प्राचीन शिव मंदिर में वीडियो करने आया हूँ, और यहाँ मतलब मिले से भाई कुणाल भाई जो कि वो भी यूट्यूबर है, ब्लॉगर है भाई, वहाँ पे घूम घूम के वीडियो कर रहे थे मंदिर के। तो चलो आप मतलब ऊपर पास लेके चलता हूँ और भाई से मिलवाता हूँ मैं। कुणाल भाई जय जोहार,
कैसे लगा थे मंदिर में आके? शताब्दी के बने हुए बहुत पुराना मंदिर है, जिन्हें एक बार तो शूट कर चुके हूँ मैं पहले, लेकिन शिवरात्रि के दिन अभी अमन जी के जो इंस्टाग्राम में लाइव देख रहे हो तो अभिषेक चला था, इसका मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अचानक उतरा है शो के उठे रहा हूँ मैं, लेकिन मैं बोले अमन जी से मिलना भी है और इतना अच्छा चीज चला थे तो जगह में तो जाना ही चाहिए। देवनगरी देव बलौदा मतलब यहाँ महादेव की नगरी है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर और एकदम मजेदार जगह है भाई। नाम है ब्लॉक कुमार छत्तीसगढ़ करके निकालू और काफ़ी सारा वीडियो बना चुके हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा मजा आती है लाइन में आए एक बार यूट्यूब पे। दोस्तों भाई लगी सपोर्ट करे रहो, जाके तुरंत तुरंत चेक कर लो एक आईडी ला, हाँ सब्सक्राइब कर दो फटाक ले। बस नाम यार तो बताओ यार, अभी जो ये महाशिवरात्रि महोत्सव होने वाला है क्या स्पेशल है? तो दोस्तों ये वीडियो आप मतलब कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, अच्छा लगे तो नहीं लाइक कर दो शेयर कर दो और मिलता ना ऐसे कुछ नवा वीडियो में। जय छत्तीसगढ़।